सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बेन फोर्ड एनालिसिस क्या है। जो बेन फोर्ड एनालिसिस है, वह बेन फोर्ड लॉ के आधार पर किया जाता है तथा ये लॉ फ्रैंक बेन फोर्ड द्वारा 1938 में डेवलप किया गया। इस लॉ के अनुसार जो सेट ऑफ डाटा है चाहे किसी भी एरिया में हो, उसमें जो फर्स्ट डिजिट उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, चांस है, उसमें जो एक है उसका 30% है और जो नौ है उसका है लगभग 5%। बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 30% और 5% के बीच में है। तो इसके माध्यम से जो ऑडिटर है फ्रॉड्स का पता लगा सकता है। यदि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी है इसमें है डी डिजिट इज इक्वल टू लॉग डी प्लस वन माइनस दिस इज प्रोबेबिलिटी दिस इज लॉग प्रोबेबिलिटी डी। तो इस बेस पे, इस फॉर्मूले के बेस को इसमें लगाया जाता है तथा देखा जाता है यदि फर्स्ट डिजिट मान लो कि कोई संख्या जैसे 456, 176, 1500 जो फर्स्ट डिजिट है वो उसका चांस 30% नहीं है टोटल, तो हो सकता है कि इस सेट ऑफ डाटा में कहीं ना कहीं फ्रॉड हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जब tally.eip में ऑडिट को किया जाता है तथा ऑडिटर इसको सैंपलिंग ऑडिट में यूज करते हैं। सैंपलिंग ऑडिट इसका मतलब यह है कि सभी डाटा का एनालाइज नहीं किया जाता, कुछ डाटा को ही सैंपल के रूप में उसका एनालाइज किया जाता है, चाहे वह अकाउंट रिसीवेबल है, चाहे अकाउंट पेबल है, या सेल्स है, या एक्सपेंस है, उसमें ये चेक प्रोबेबिलिटी चेक की जाती है और देखा जाता है क्या वह बेन फोर्ड लॉ के अनुसार है। यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रॉड या चीटिंग होने की संभावना है, तो जो ऑडिटर है अपना समय उस फ्रॉड को ढूंढने में लगाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।